हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ाई अच्छा होने के लिए क्या भोजन लेना चाहिए इसके बारे बताना चाहता हूँ। पढ़ाई में अच्छा होने के लिए चार बातों का होना जरूरी है। फर्स्ट मेंटल बूस्टिंग, सेकंड पॉजिटिव मूड, कॉन्सेंट्रेशन और मेंटल हेल्थ, ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लोग को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, खाना से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स में 25% ब्रेन यूटिलाइज करते हैं, इसलिए पढ़ाई टाइम में अच्छा भोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मैं आपको मेंटल बूस्टिंग के बारे बता रहे हैं। मेंटल बूस्टिंग हमको विटामिन बी12 से मिलते हैं। विटामिन बी12 का सोर्सेस है मीट एंड एग। नेक्स्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं और बाकी जगह से बहुत कम मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हम मछली से मिलते हैं, स्पेशली मछली में ट्यूना फिश से आपको ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट विटामिन ई, ये विटामिन ई हम लोग ओल्ड पीपल को देते हैं स्पेशली, बट ये विटामिन ई आपको मिलते हैं आलमंड और पीनट सबसे सस्ता में मिलते हैं आपको। और नेक्स्ट हम लोग को चाहिए पढ़ाई के लिए अच्छा मूड, पॉजिटिव मूड के लिए हम लोग को चाहिए ट्यूना और चिकन का ब्रेस्ट रीजन और नेक्स्ट सनफ्लावर सीड्स, ये तीनों चीज़ से आपको ज़्यादा मिलते हैं। और ये कैसे विटामिन B6 पॉजिटिव मूड कैसे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, हमारा शरीर में सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं, इसी कारण से जो ब्रेन का अंदर का डिप्रेशन कम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग विटामिन C का जरूरत रहता है। कॉन्सेंट्रेशन हमारा इंक्रीज होते कैसे, इसी मैकेनिज्म में न्यूरो ट्रांसमीटर रहते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं विटामिन C, इसी कारण से स्ट्रेस से रिलीव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए मूड रेगुलेशन के लिए सुबह में एक बनाना खाना जरूरी है, क्योंकि ये बनाना के अंदर में रिक्त है पोटासियम, एनर्जी एंड मैग्नीशियम, ये हमारा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा डाइजेशन होने के लिए, ये सब खाना अच्छा डाइजेशन होने के लिए हमारा पेट में एसिडिटी नहीं होना चाहिए, एक एसिडिटी लेवल रहता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रेगुलेट करने के लिए हमारा डाइट में दही इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा पेट का अंदर का एसिडिटी रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट कैसे पढ़ाई करना है, जो हम लोग रीड करते हैं उसका 35% ब्रेन स्टोर करते हैं। ट्राई टू मेमोरी, ट्राई टू रिप्रोड्यूस, स्टोर पॉइंट्स, अवॉइड ओवर स्टडी। हम आपका ब्रेन का कैपेसिटी और हमारा ब्रेन का कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई करना है। कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट पढ़ाई करना है, डिफ़िकल्ट और ईजी सब्जेक्ट? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इफ़ यू आर स्टडिंग द ईजी सब्जेक्ट, वेन एवर यूर ब्रेन टायर्ड होने के बाद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाई करने इंटरेस्ट भी नहीं रहते, मेमोराइज करने के भी बहुत मुश्किल रहते हैं। इसलिए ईजी सब्जेक्ट छोड़ के डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट देना है। इसके बाद आप लोग ईजी सब्जेक्ट पढ़ाई करें तो जल्दी आपको मेमोराइज भी कर सकते हैं, ईजी और ईजी हो सकते हैं। सो मैं जो वीडियो आपको ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया, इफ़ यू आर थिंकिंग इट इज़ यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।